गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो आज सुबह सुबह भी मैं नीचे राधा कुंड और शाम कुंड से डूब के रह के आया हूँ। तो अभी बढ़िया, तो मेरी जमीन बैठ गया, चाय वगैरह पियेंगे, ताजो चाय लेने गए हैं। तो जैसे वहीं की चाय शाय पियेंगे, उसके बाद निकलना आज हमने गोकुल के लिए। तो वहाँ पर दर्शन वगैरह करेंगे, और जहाँ पर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है वहाँ पर भी दर्शन करेंगे आज, तो भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, आप चाय आते हैं रेडी होते हैं। अभी हम यहाँ से डुबकी लगा के आए हैं। एक यहाँ पे, एक इसके साथ में शाम कुंड है ना, वहाँ से दो जगह से डुबकी लगा के आए हम। गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं गोकुल, और पीछे देख रहे सारे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोकुल यहाँ से। तो अभी यहाँ से सीधा हम पकड़ेंगे अपनी वाली गाड़ी जो हमने लगाई है पार्किंग में बाहर। तो वहाँ से हम निकलेंगे अब सीधा गोकुल के लिए, और फिर वहाँ से आगे से प्लान बनेगा कहीं जन्मभूमि मिल जाए जाने का। तो आज वहाँ चलते हैं पहले, मगर तो पीछे सबका वेट करें, फिर गाड़ी के आप सोचते हैं। चलो फिर मैं गाड़ी दे आता हूँ। आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ से निकलेंगे। सारे लोग बैठ रहे हैं पीछे, तो निकलेंगे। तो दीदी से हाय टू कैमरा। तो हम जा रहे हैं गाइस करना वैसे, तो चलो गाड़ी निकलने वाली है, चलते हैं। इसमें अभी हम पहुंच चुके हैं गोकुल धाम में। तो ये वो वाला गोकुल धाम नहीं है जो तुम सोच रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, ये दूसरा गोकुल धाम है कृष्ण भगवान वाला। तो मैं और राहुल भाई यहाँ पहुँच चुके हैं। राहुल भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम चल पड़े हैं अंदर मंदिर के। आज का भगवान का आनंद का दिन चल रहा है। आज क्या है? कनक महोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ, ये लास्ट का साल का महीना है। तो इसमें हमारे यहाँ भगवान का सोने का सिंगार है, और ये खाली 5 दिन के लिए आता है। मेन दर्शन है गोकुल में। ये रेती रमणा आश्रम है, यहाँ पे भगवान रेती में लोट लगाने आते हैं। तो ये रेती में सबसे बड़ा फल है लोट लगाना, क्योंकि इसी से मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, रज की मस्तक मस्तक से लगे और मुक्ति भी मुक्त हो जाए। राधे, और ऊंचा हाथ करो और हंसो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, कहती है जो गोकुल में आकर हंसा उसी का घर जाकर बसा, और गोकुल में भी आकर जो रोया वो सब कुछ अपना हो जाए। अभी यहाँ अपन लोग गोल सर्कल लगा लो, और गोल सर्कल लगाकर स्थान ग्रहण कर लो। बैठ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, ऐसा यहाँ आ जाओ। मैया मैया तुम यहाँ बैठो इस जगह, ऐसा गोल सर्कल बना लो। प्रभु ने गौ सेवा की, जब भगवान को मथुरा से लेकर आए तो गोकुल में दे गए, और लड़की हुई योग माया उसको ले गए थे मथुरा, और मामा को जवाब दिया दुष्ट पापी कंस मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वालों पैदा है चुके, और वो नंद गांव में बैठो हुए और पालने में झूल गए। तो भगवान नंद गांव पहुंचे नंद के घर में, और किसी ने ये नहीं बोला कि नंद के घर लाला भयो, लाली भई, बधाई भई, सबने क्या बोलो कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जवानों को दियो हाथी घोड़ा और बूढ़ों को दियो पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर का भयो आनंद, तो नंद बाबा ने आनंद में 9 लाख गैया दान में दी। तो गांव को नाम पड़ गो गौकुल, जल्दी में अपन लोग बोले गोकुल, और शुद्ध नाम है गौकुल, गायों का कुल। बोलो गौ माता की। तो पहली भूमि है गौलोक भूमि, एक गौलोक धाम है बैकुंठ में। जब अपनी आत्मा जामे तो स्वर्ग में जाने से पहले, बैकुंठ में जाने से पहले एक नदी पड़े, बाको नाम है बैतरणी। बैतरणी नदी पर ही गौलोक धाम, वहां पर वो गाय माता मिले जो मनुष्य अपने हाथ से दान करके जावे, तो वो गौ माता की पूछ पकड़े तो बैतरणी को पार कराए दे। अपने हिंदू धर्म में 2 दान है, कन्यादान और गौदान। कन्यादान बताया घर में, पर अभी कलयुग है, कलयुग मनुष्य अपने घर में भी गौदान करता, पर जिसके नाम से करता है फल उसी को मिलता। पर ये क्या है, पितृभूमि और देवभूमि। तो यहाँ पर जैसे आप लोग आए हो वैसे ही राजा कर्ण को भेजा गया था। राजा कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र, पांडवों का भाई। तो आनंद की और हंस लो, आहा राधे 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 राधे, बोलो रमण बिहारी लाल की,
अपने अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, और हंसो आहा, गोकुल में हंसा उसी का घर बसा। बोलो राधे राधे। पहले यहाँ पे हम पहले यहाँ पे कर रहे थे भी, अंदर भजन वगैरह चल रहे थे, तो अभी यहाँ पे तुमने हाथी पहले देखा होगा, वो सून के साथ पूरा मैच करता है, ट्यून को पूरा ना कवर कर रहा था अपने अंदर। मिट्टी में अगर तुम घूमोगे ना तो तुम्हें ना मजा ही आ जाएगा कुछ अलग सा ही, और हमें तो मजा आ गया क्योंकि ये देखो मिट्टी वगैरह मेरे से भी लगी हुई है, तो इसी मिट्टी में हम लोटपोट भी हुए थे, तो जिस कारण इस मिट्टी में कृष्ण भगवान लोटपोट हुआ करते थे, खेला करते थे, तो उसी मिट्टी में हम भी खेलते थे, तो हमें कहते हैं कि भाई इसमें खेलना अच्छा होता है, और जब इसे आप मतलब कि लोटपोट करके जब उठते हो तब आपको इसको मतलब कि अपने ऊपर से ना इसे झाड़ना नहीं होता है, मतलब अगर तुमने झाड़ दिया तो मतलब कि इसका कोई फायदा नहीं होता कि तुम लोटपोट हुए। तो कहते हैं कि साक्षात जिसको ना मतलब ये कृष्ण और राधा कृष्ण यहाँ पे बसते हैं, तो आपने कभी भी इसको झाड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह ये वाली, ये देखो ये सारी की सारी यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ बैठ के कथा सुनाते हैं, और वो सामने तुम देख पा रहे होंगे वो सारी की सारी जो है ना वो कुटिया है, सारी की सारी जितने ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं ना सारी की कुटिया है वो वाली। तो अभी हमारा जितना भी सारा ग्रुप है वो जा रहा वहाँ खड़ा हुआ, तो अभी उनके पास जाना, पहले मैं पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी स्टोरेज खत्म हो गई थी, तो अभी किया, तो बोलो फिर अब आगे जो पंडित जी बोलेंगे तो वो हमें करना पड़ेगा, फिर करते हैं हमारा सब। राज तुम्हें अब हम हिरन दिखाते हैं, यहाँ पे अच्छे वाले हिरन तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ पे अच्छे वाले जितने हिरन है सारे तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। राधा को ये देंगे, हेलो हेलो चलो कोई उम्मीद की दोबारा लाओ हाँ फाइट हो रही है ना आगे करना हाथ ऐसे बीच में ऐसे ऐसे कर तो मैंने देखा गया कैसे ही हमारे हाथों से खा रहे थे, मतलब कितनी ज्यादा इनको भूख लगी थी एटलीस्ट यहाँ पे, तो कहते मैंने इसे खाया हमने और इसी हाथों से खाया, तो देखा होगा आपने आपको अच्छा लगा होगा ये वाला। तो अभी और भी हमने आगे बढ़े अच्छी जगह में जाना है, तो वो भी मैं कवर करूँगा, तो इसके हर एक एपिसोड में डालते रहूँगा बार बार, तो तुम उसे देखते रहिए और प्यार देते रहिए, ठीक है।